केंद्र सरकार के कृषि कानून विरोध में पिछले 19 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी राजधानी लखनऊ के जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। यहां से कलेक्ट्रेट जाते हुए पुलिस ने कार्यालय के पास ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। उग्र कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गन्ने और संतरे लेकर के प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पार्टी की तरफ से जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियां, बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। जितने भी क्या कहते हैं कार्यक्रम देश के लिए मोदी जी ने चलाए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो GST का हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका कोरोना को हैंडल करने का हो, इन सब चीज़ों में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और ये अकेला ऐसा काम है जिसको मोदी जी ये समझा रहे हैं किसानों को कि ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन करोड़ों करोड़ किसान ये कह रहा है कि ये हमारे लिए जीने या मरने का सवाल है। तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, प्रदेश में, देश में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह, और गलत नीतियों के कारण। जब तक ये तीनों बिल किसानों के हित में वापस नहीं लिए जाएंगे या फिर किसानों से बात करके उनकी सहमति नहीं बन जाएगी, तब तक समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करती रहेगी और जहाँ जिस प्रदेश में मौका मिलेगा वहाँ करती रहेगी। लगातार 7 तारीख से समाजवादी पार्टी लगातार किसान यात्रा भी निकाल रही है। गांव-गांव, शहर-शहर लगातार किसानों के समर्थन में माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी सफाई लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव से लेके आज किसानों के लिए आंदोलन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है और ये तानाशाही सरकार समाजवादी कार्यकर्ताओं को लगातार रात से घर से उठाने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता लड़ के रहेगा किसानों के लिए, रोड से लेके संसद से लेके लगातार प्रयास कर रहा है, वो करता रहेगा लगातार। क्या लगता है जिस तरीके से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, आज उनका 19वां दिन है और समाजवादी इससे पहले भी समर्थन मिल रहा था और अखिलेश यादव भी सड़कों पर बैठकर भी प्रदर्शन किए थे, क्या कहना चाहेंगे आगे किस तरीके की लड़ाई है? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, हमारे मुखिया किसान परिवार से आते हैं, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, इसलिए लगातार किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये अन्नदाताओं के खिलाफ सरकार है, हमेशा छात्रों, नौजवानों, किसानों के खिलाफ ये कार्रवाई जो कर रही है वो करती रहेगी और हम लोग जब तक किसान आंदोलन कर रहा है हम लोग रोड पे, रोड से लेके लाठी डंडा मुकदमा लग जाए लेकिन कोई डर नहीं है, किसानों के सम्मान में लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे समाजवादी। मैं कलीम अहमद शिबली, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी साथी हैं, जिला अध्यक्ष महिला सदस्य समाजवादी पार्टी प्रेमता यादव, ये महासचिव जी हैं, नगर अध्यक्ष जी, आप देख ही रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से जो किसान हमारा आंदोलन चल रहा है उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के समर्थन में हम लोग भी लगातार 7 दिन से, 7 तारीख से हम लोगों का भी आंदोलन चल रहा है और उन्हीं का समर्थन करते हुए मैं उनकी मांगों को पूरी करने की सरकार से गुहार कर रही हूँ। पूरी समाजवादी पार्टी गुहार कर रही है कि किसानों की बात मानी जाए, जो अध्यादेश लागू हुआ है उसको वापस लिया जाए और किसानों के साथ न्याय हो, क्योंकि 80% हमारा देश में किसान है। अगर किसानों की हित की अगर ये सरकार बात नहीं करती है तो या तो इस्तीफा दे या किसानों की मांगें पूरी करें। जी, इनका आह्वान था कि आप जाकर के आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का, लेकिन यहाँ पर कोर्ट लगी थी, इनसे नेताओं से वार्ता भी की गई कि आप अपना पत्रक उपलब्ध करा दीजिए, पत्रक उपलब्ध नहीं कराएगा इनको डिटेन करके धरना स्थल पर भेज दिया। सर, अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? अभी इनको धरना स्थल जो हमारा चिन्हित है वहाँ भेजा गया। मैं किसानों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि देखिए जो है ये सरकार जो मतलब की है वो वापस ले, क्योंकि हम भाई बहन सब लोग मिल के ये चाहते हैं कि अपना वो वापस ले। अगर किसान की ज़मीन चली जाएगी तो बहुत बड़ी वो है। बाकी जो है ये मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करेगी? हम लोग रोड पे ऐसे निकलेंगे, सभी भाई बहन मिलके संघर्ष करेंगे और किसान का हमेशा साथ देंगे। जब तक अगर जब मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पीछे नहीं, पीछे नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। अब पूरे देश के किसानों को छला जा रहा है, अब पूरा कारपोरेट जगत जितना है, चाहे अडानी हो, चाहे अम्बानी हो, मोदी जी,
सबको साथ लेकर के सरकार चला रहे हैं और पूरे किसानों को ये जस्ट लाइक इंडस्ट्री को कॉरपोरेट जगत में पूरा परिवर्तित करके पूरी किसानी छीनना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। हम लोग सब किसानों के साथ में, और मोदी जी को जो अहम घमंड हो गया है वो घमंड उनको चूर हो जाएगा। उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बचपन मुझे याद है 1970 में हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, 85 सीटें पार्लियामेंट की थी उत्तर प्रदेश में, और 85 की 85 सीटें हम लोग जनता पार्टी ने जीती थी। अभी वो रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए अहम और घमंड बहुत ख़राब चीज़ है। किसानों के हित में काम करें, ये काला कानून वापस लें। छोटी वाले पर्स गिरा तो बहाने बाजी बता रही है। इनसे कौन पंगा ले? दोनों मिलके